इसी कड़ी को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत कम उम्र में वो करने की ठानी है जो लोग सोच भी नहीं पाते, यानी कि वो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि एक पूरा समाज जो है वो बदला जा सके। मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपको, हमारे साथ देवेंद्र प्रसाद जी हैं जो कि ऑफिसर हैं एसआरएफ फाउंडेशन के और हमारे साथ अगले इंट्रोडक्शन में जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप तालियों के साथ स्वागत करें, वो जोश कम नहीं होना चाहिए, इससे पहले जो जोश था वो कम नहीं होना चाहिए। सर प्लीज कम टू द स्टेज और मैं चाहूंगा मेरी सहयोगी ज्योति और श्वेता प्लीज आप मन संभालें। जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया अनुराग। तो देवेंद्र जी का हम लोग बहुत बहुत स्वागत और आभार आज इस मौके पर जता रहे हैं, क्योंकि जब नव निर्माण राजस्थान मंच पर हम चर्चा करते हैं महिला एवं बाल विकास की, समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि महिलाओं का विकास उतना ही जरूरी है जितना देश के लिए पुरुषों का विकास, और आने वाला जो वक्त है वो बच्चों का है जो देश के भविष्य है, और उनका विकास यानी कि सीधी सी बात है भारत का विकास, राजस्थान का विकास, और इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाने की अद्भुत कोशिश की है देवेंद्र जी ने, और इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे कि जो एसआरएफ फाउंडेशन आपने बनाया है इसका उद्देश्य क्या है? साल 2009 से राजस्थान में आप लोग अपने फाउंडेशन से महिला एवं बाल विकास का जो उत्थान है वो कैसे कर पा रहे हैं? जी सबसे पहले तो शुक्रिया मैम इस मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसआरएफ फाउंडेशन पिछले 2009 से काम कर रहा है और उन्होंने सबसे पहले अपना रूरल एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो सबसे पहले हमने मेवात में स्टार्ट करा, और उसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने 2016 से हम राजस्थान में काम करते आ रहे हैं। जो 2016 में हमने जब रूरल एजुकेशन प्रोग्राम को काम करा तो हम स्कूलों में चार पैरामीटर पे हम काम करते थे, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, लीडरशिप एंड डिजिटल। सो जब नई शिक्षा नीति आई तो नई शिक्षा नीति के अनुसार हमको बालवाटिका से हम कैसे स्कूल्स में एंटर कर सकते हैं और बालवाटिका को हम कहाँ लेके आ सकते हैं, एक आंगनवाड़ी में। तो जब गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट और हमारा कॉन्सेप्ट जब हमने हमारा जब लाइनअप हो रहा था तो उसी कड़ी को हमने बढ़ाते हुए कि आंगन को हमने भिवाड़ी के आसपास की आंगनवाड़ी को सिलेक्ट किया और हमने वहां पे अपने पहलुओं पर काम करना स्टार्ट किया। जी देवेंद्र जी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शुरुआती जो उम्र होती है बच्चों की वो उनकी पूरी जिंदगी की बुनियाद रखती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि उन्हें समुचित शिक्षा मिले। लेकिन आपने इस बात की भी कमी महसूस की होगी कि जो मॉड्यूल है, जो डिजाइन है, शायद वो उस तरीके का पहले नहीं था जो अब आप लोगों के जरिए बच्चों को मिल रहा है, तो उस पर आपने किस तरीके से काम किया? बाल वाटिका के बारे में भी जरा विस्तार से बताएं और बच्चों की शुरुआती शिक्षा पर इसका कितना असर पड़ रहा है? जी अगर हम देखा जाए तो बच्चे की जो पहली जो शिक्षा होती है उसकी माँ होती है, और माँ के आने जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो आंगनवाड़ी में पहुंचता है। आंगनवाड़ी में बेसिकली अगर देखा जाए तो गरीब परिवार के बच्चे पहुंचते हैं वहाँ पे। हम कैसे उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएं, उसके लिए जब हमने डिप्टी डायरेक्टर सर हैं जो ICDS के डिपार्टमेंट से हैं आए, हमने उनके साथ फॉलोअप किया, उनकी वर्कबुक को हमने देखा, हमने अपनी वर्कबुक नई उनमें डिजाइन करी और प्रत्येक बच्चे को प्री बालवाटी का बुक हमने डिजाइन करी जिसका मकसद था कि वो 3 साल से 5 साल का बच्चा उसको पढ़ पाए। फिर जैसे ही बच्चा 5 साल का हो जाता है तो 5 से 6 साल जाता है तो वहां पे बालवाटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो बालवाटी का कॉन्सेप्ट में आ जाता है कि बच्चे को बेसिक जो उसकी प्री एजुकेशन होता है वो उन तक पहुंच पाए। वो कैसे पहुंचेगा कि जैसे बच्चा कलरों के नाम, डिफरेंट शेप के नाम, आकृतियों को नाम से वो पहचान पाए। तो ऐसी हमने उसमें बुके हमने डिजाइन करी, कलर्स उसमें डाले, बच्चों को स्टेशनरी दी, और ये काम कौन करवाएगा? आंगनवाड़ी वर्कर। तो हमने उन आंगनवाड़ी वर्कर को रिसोर्स पर्सन हायर करके उनको ट्रेनिंग दिया, और अभी भी हम एट ए टाइम अभी भी हम उनको हर महीने बेसिक पे ट्रेनिंग देते हैं कि वो जो भी उनके पास बच्चे सेंटर पे आ रहे हैं वो उनसे पढ़ के जाए।
तो 2009 से 2023 तक और आने वाले काफी लंबे वक्त तक आपकी ये योजना ऐसे ही आगे चलती रहे, आपकी कोशिशें रंग लाती रहे, लेकिन जो बाल वाटिका कॉन्सेप्ट है राजस्थान में आपने बखूबी इसे लागू किया और एक सुंदर तरीका ये था कि आंगनबाड़ी की मदद से उन्हें महिलाओं को भी आपने प्रशिक्षित किया और जो बच्चे हैं उन्हें भी उनकी मदद से शिक्षा प्राप्त हो रही है। इसमें सरकार का कितना जो सहयोग है ये आपको मिल पाता है SRF को, क्योंकि आप कहते हैं ना योजनाएं तो बन जाती हैं, उन्हें अमली जामा पहनाना आप जैसे संगठनों का भी एक बहुत बड़ा फर्ज होता है। जी मैम, बिल्कुल मैम, अगर हम देखा जाए तो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के हम अपने इंटरवेंशन को लेके नहीं आ सकते। जब जब हमने डिपार्टमेंट से डिमांड करी है कि हम सब ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और ये काम हम अपने बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, तो डिपार्टमेंट में बखूबी हमारा साथ निभाया है। और जब जब हमने बोला है कि सर हमको ये काम करवाना है और ऐसे काम करवाना है, इन आंगनवाड़ी वर्कर को प्रशिक्षण देना है, बच्चों को स्टेशनरी देनी है, जो भी हमने उनसे अभी तक सपोर्ट मांगा उन्होंने पूरे खुले दिल से हमको बोला और आप करो। और हमने उन्हीं आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आंगनवाड़ी वर्कर का जो ऑफिस होता है यानी कि जो उनका आंगनवाड़ी केंद्र होता है उनकी दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने बजट सेंशन करवा के अपने क्या नाम से हाई लेवल से जो भी हमारे पास बजट आता है उससे हमने आंगनवाड़ी के 4 कॉम्पोनेंट पे काम करा, जिसमें हमने पहला कॉम्पोनेंट था कि आंगनवाड़ी में जो रख रखाव है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा, बिल्डिंग कैसी हो जिसमें आके का बच्चे आके बैठे तो कैसा महसूस करे, कम से कम महसूस ऐसा करना चाहिए बच्चा कि उसको लगे कि हाँ मैं एक आंगनवाड़ी सेंटर पे आया हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली हमने बिल्डिंग का रिनोवेशन कराया, बाला पेंटिंग, पुट्टी पेंट सब कुछ उसमें कराया। उसके बाद एक बच्चा नीचे बैठता एक दरी पे, तो उस दरी पे से हमने उनको कुर्सी मेज पे लेके आया, उनको एक कलरफुल इको फ्रेंडली जो हमने फर्नीचर उनको प्रोवाइड कराया और साथ में उनको जो भी रिलेटेड जो जैसे स्टेशनरी का मैंने आपको बताया सारी चीजें प्रोवाइड करी, ऊपर से आंगनवाड़ी वर्कर को पहले से ट्रेन कर दिया। तो वो जब ये तीनों चारों चीज जब लाइनअप हुई तो वो ऑटोमेटिकली हम इस प्रोग्राम को आगे लेके जा रहे हैं। जी मुश्किल ये होती है कि जो बच्चे उस परिवार से आते हैं जो बहुत ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स की फीस नहीं भर सकते, जो पढ़ाई पर इतना खर्च जिनके परिवार नहीं कर सकते, बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। इस देश में शिक्षित बच्चा होगा तभी जो देश का भविष्य है वो भी उस पर निर्भर करेगा। तो आपने कैसे, जैसे आपने बताया कि जो पहले जो केंद्र थे जो बच्चों को जहां वो जाते थे शिक्षा के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं था कि बच्चों, क्योंकि बच्चे बड़े चंचल होते हैं, उनको वहां रहना अच्छा लगेगा तब उनका मन लगेगा और वो पढ़ेंगे, तो कैसे आपने नीड असेसमेंट किया और क्या क्या चीजें आपने पाई उसमें जिसमें बदलाव आपने करने की जरूरत समझी? अच्छा, तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने SRF फाउंडेशन जो SRF जो कंपनी है बेसिकली भिवाड़ी में एस्टेब्लिश है और उन्हीं ने अपना फाउंडेशन डेवलप करा है, तो उन्होंने उनके सराउंडिंग जो विलेज है 10 विलेज को हमने अडॉप्ट कर रखा है, तो उन्हीं की स्कूलों में हम काम करते हैं और उन्हीं के हमने सबसे पहले प्रायोरिटी पर रख के उन्हीं के सेंटर हमने चूज करे। तो जब चूज करे तो सेंटर का जब नीड असेसमेंट किया कि सेंटर की कंडीशन कैसा है, बाला पेंटिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पानी की फैसिलिटीज कैसे हैं, टॉयलेट कैसे हैं, तो सारी चीज़ों पे जब हमने देखा कि लाइट कनेक्शन है या नहीं है, सारी चीज़ों को जब हमने ध्यान में रखते हुए बच्चे वहाँ पे कितने बच्चे आ रहे हैं, हम उन बच्चों की कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, ये छोटे छोटे सारे मापदंडों को हमने ध्यान में रखते हुए नीड असेसमेंट करा। और नीड असेसमेंट करने के बाद हमने फिर उनको हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अलाइन करते गए। और निश्चित तौर पर जब हम मेहनत करते हैं कोई ऐसी बड़ी योजना जो कि सरकार लागू करती है, वो एक स्वयं सहायता समूह जो है NGO है वो उसका हिस्सा बन जाए और न सिर्फ महिला एवं बच्चे बल्कि पूरे समाज की जागरूकता के लिए काम करते हैं, तो ऐसे में आपकी हौसला अफजाई कैसे हो पाती है, क्योंकि लगभग 14 साल का सफर हो गया आपके इस NGO को, तो कैसे ये काम आगे बढ़ रहा है, पूरे राजस्थान में आप लोगों ने कितना पांव पसारा है अब तक? जी मैम, अगर मैं बताऊं कि हमको जो आपने पूछा कि खुशी हमको मिलती है, तो वो बच्चा जब आंगनवाड़ी सेंटर पे आता है और वो कुछ ट्रेसिंग करता है और कुछ अपने कलरिंग करता है, जैसे उसमें हमने, मैं आपको उदाहरण के लिए तौर बताऊं तो जैसे इमोशंस जैसे चैप्टर हैं, कलर हैं, बच्चों को रेडीमेड लर्निंग मटेरियल हमने उनको प्रोवाइड करा, तो बच्चा आता है और हम उसको बोलते हैं कि पीला कलर उठाओ, बच्चा तुरंत उठाता है और जो उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, तो उससे हमारा मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन को हम आगे बढ़ाते हुए हम लेके जा रहे हैं। हम ट्राई करेंगे कि आने वाले टाइम में, हमने अभी 18 आंगनवाड़ी पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम और भी ज्यादा हम काम कर पाए। जी,
बच्चों को मैं पहले से हमने देखा है कि बच्चों को उनके घर से लेकर के स्कूल तक लाना एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। बच्चों को उसके लिए तरह तरह की चीजें उनके परिवार के अंदर मन में डाली गई कि बच्चों को मिड डे मील मिलेगा, बच्चों को पोषण मिलेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के फायदे बताए गए। तो ये कितना चैलेंजिंग रहा कि आप बच्चों को ग्रामीण इलाके वहां से निकालकर इन सेंटर्स पर लेकर आ पाए और कितनी सफलता मिली, अगर आंकड़ों के जरिए भी आप कुछ हमें बता पाए। जी मैम, इसमें बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था कि आंगनवाड़ी का, जब हमने आंगनवाड़ी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था और हमने जब गांव वालों से हम जाके मिले कि आप अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजो, तो उस टाइम पे हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल महसूस करा और चैलेंजेस फेस करे कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं बोलता कि हम आंगनवाड़ी में जाएंगे, और जाएंगे तो बस उस टाइम पे जाएंगे जब राशन मिलता है, क्योंकि प्री एजुकेशन में जो थोड़ा गैप जो था उसको हमने ध्यान में रखते हुए कि जब गांव में कम्युनिटी मीटिंग करी, उनको समझाया, और एक जब मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर बनने के बाद हमने जब सेंटर पे मीटिंग करी, तो उस टाइम पे लोग बागों का जो आंगनवाड़ी के प्रति जो चेहरा था, देखने का नजरिया था, वो बदला। और उसके बाद जब हमारे सेंटर पे स्टार्टिंग में 5 बच्चे या 10 बच्चे आते थे, आज हमारे सेंटर पे 25-30 बच्चों की स्ट्रेंथ हो गया। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है और यही हमारे लिए एक मोटिवेटर के टर्म पे हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है तालियां तो जरूर होनी चाहिए इस पे, और खासतौर पर जो आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं यहाँ पर, वो सभी बहुत मेहनत कर रही हैं, मुझे लग रहा है जो महिलाएं यहाँ मौजूद हैं उन सब के लिए। उनकी बातें सुनकर शायद आप समझ भी पाएंगे कि किस तरीके से आप ही की मदद से आप ही के राज्यों के बच्चों का भी विकास और उत्थान किया जा रहा है। इसमें निश्चित तौर पर आप तमाम महिलाओं का भी योगदान जो है वो तारीफ के काबिल है। देवेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जब एनजीओ के इस काम को आप आगे बढ़ाते हैं, एक रूट पर आप काम कर रहे हैं जमीनी कार्यकर्ता की तरह, जो सरकारी योजनाएं बनाती हैं वो कभी कभी गांव गांव तक पहुंच पाता है या नहीं, ये सवाल हम सबके मन में आता है। लेकिन आप, आपके सहयोगी, आपका संगठन गांव गांव पहुंच रहा है, आंगनबाड़ी लेवल पर आप लोगों को इन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, ऐसा और क्या किया जा सकता है कि जो जमीनी हालात हैं वो बेहतर किए जाए? तो मैम, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी सारी स्कीमें लेकर आ रही है। जो मुझे एक कमी खलती है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग वाला पार्ट है जो हमने सिस्टम से ना चाहते हुए भी मिस हो जाता है। तो वो ही सिस्टम अगर मॉनिटरिंग वाला पार्ट ही थोड़ा सा अच्छे से कर ले, तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहुत मेहनती हैं, जैसा हम उनको बोलते हैं ऐसा वो करती है। तो रियलिटी है कि ग्राउंड पे अगर उनके पास थोड़ा प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग हो, उनको फैसिलिटीज अच्छी से हो जाए, तो वो डेफिनेटली हमारे को मिशन 2030 को हम जोड़ सकते हैं उससे। जी, मिशन 2030 की आपने बात की, जरा इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि अभी आपने बहुत लंबा सफर तो तय कर लिया है, लेकिन कहते हैं ना कि अभी तो सिर्फ आगाज है, अभी पूरी उड़ान बाकी है, और ये उड़ान थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि देश का हर बच्चा जब तक शिक्षा के अधिकार को पा नहीं लेता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, और आप जैसे लोगों की वजह से ये संभव हो पाएगा। तो मिशन 2030 को लेकर के क्या सोच है और क्या तैयारियां हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मिशन 2030 की बात हमारे डायरेक्टर सर के साथ हमारी बात हो रही थी, तो हम कैसे, सर ने हमसे सजेशन लिए थे कि कैसे हम इसको लेके आ सकते हैं और कैसे इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो उस टाइम पे जब हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो ये सारे मुद्दे जो मैंने आपको बताए कि आंगनवाड़ी पे ये सी सारी चीज हम अगर अच्छे से करा पाए तो ये बहुत। दूसरा ये कि अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कई बार दिक्कत आती है कि वहां पे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो, हम अगर मैं स्कूल का मैं अगर कॉन्सेप्ट में बात करूं तो वहां पे 4 पिलर हैं बेसिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकेडमिक है, लीडरशिप और डिजिटल है। तो हम आंगनवाड़ी में 3 पहलुओं पे तो काम कर रहे हैं, चौथा कहीं ना कहीं जाके डिजिटल वाला छूट रहा है। वो डिजिटल में क्या है कि हम स्मार्ट क्लासरूम वहां पे डेवलप करते हैं, उनके लिए स्मार्ट टीवी, टैबलेट, रिचार्ज वगैरह, ई कंटेंट जो हम राजस्थान का जो है, तो वो जो उन तक पहुंच पाए, तो वो उससे लिए हम 2030 में अगर वो चीज हम प्रोवाइड करा पाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके हम बहुत अच्छे से अपने आंगनवाड़ी सेंटर को एक लाइक ए प्ले स्कूल के रूप में रन करा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक ऐसे वक्त में जब भारत चांद पर पहुंच चुका है, राजस्थान हो या देश का कोई भी गांव राज्य, वहां बच्चों का शिक्षित होना और खासतौर पर डिजिटलाइजेशन के इस जमाने में ई शिक्षा भी हासिल करना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। जमीनी लेवल पर बच्चों को आप हर मुमकिन सीख और शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन स्मार्ट एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, 2030 की हम बात करते हैं, आने वाला भारत न सिर्फ और ज्यादा मॉडर्न होगा और ज्यादा स्मार्ट होगा, डिजिटल के क्षेत्र में, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में बच्चों की उन्नति पर क्या कुछ फोकस है आपके एनजीओ का? जी, अगर हम बात करा जाए तो अगर हम
आंगनवाड़ी के उसमें अगर हम देखा जाए तो हम आंगनवाड़ी में प्रयासरत हैं कि कैसे हम आंगनवाड़ी सेंटर पर लाइट पहुंचा सकते हैं। लाइट का हमने सर से बात करा है, डिपार्टमेंट से बात करा है, तो लाइट के ऑलरेडी कनेक्शन अभी स्टार्ट हो गए हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम कैसे ई कंटेंट गवर्नमेंट अगर बनाए तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हम सेम प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। तो अगर गवर्नमेंट हमको ई कंटेंट बना के देता तो हम स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चों को, जो आजकल देखते हैं कि बच्चों में मोबाइल्स में और टीवी में कार्टून देखना बहुत पसंद है, मोबाइल से पढ़ना बहुत पसंद है, छोटी छोटी वीडियो शॉर्ट्स वीडियो देखना बच्चों को बहुत पसंद है, तो वही हम ऐसा कंटेंट डिजाइन करें, ऐसी हम अगर हम आंगनवाड़ी के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से अगर हम उसको डेवलप कर पाए तो एक ये एक हमारे लिए बहुत एक अच्छा अचीवमेंट रहेगा कि बच्चा हमारा जो बेसिक जो उसकी नीड है प्री एजुकेशन है जो ई कंटेंट के थ्रू बच्चे तक पहुंचे। और बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हर बच्चे को ये अधिकार मिले। अब जिस तरीके की एजुकेशन सिस्टम हम देख रहे हैं, नई पॉलिसी की भी आपने बात की, उसके बाद हर बच्चा वो तमाम सुविधाएं भी वो प्राप्त करे जिसका वो अधिकारी है। अब बच्चों का मन बहुत चंचल होता है क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा की हम बात करें तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को आप लोग डील करते होंगे, वो तभी वहां रुकेंगे क्लासरूम में जब उनको वहां पर कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा, उनको मजा आएगा अगर आप सरल शब्दों में कहें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरीके से आपने काम किया ताकि बच्चे दिल खुश करके अपने घर से अपने क्लासरूम तक का सफर तय करें? जी मैम, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात करें और बच्चों को एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले, बच्चा वहां आंगनवाड़ी सेंटर पे आके बैठे पढ़े, तो उसके लिए हमने बेसिकली यही करा कि एक कलरफुल यानी कि पुट्टी पेंट होने के बाद एक कलर्ड होने के बाद एक बाला पेंटिंग के अंदर भी हमने जैसे कलर्स नेम हो गया, संडे मंडेज हो गया, जनवरी फरवरी हो गया, काउंटिंग 1 से 10 हो गया, स्मॉल स्मॉल स्टोरीज, बच्चा पढ़ नहीं सकता बट आंगनवाड़ी वर्कर जब उनको बोल के बताएगी तो वो देख के बच्चे को पढ़ने का मन करता। सेकेंड थिंग ये कि जब हमने जो फर्नीचर जो दिया है उस वो हाफ मून शेप का फर्नीचर दिया है, वो भी कलर्ड वाला कलर चेयर है, बच्चे राउंड शेप में बैठते हैं, सबका आई कॉन्टेक्ट होता है, एक दूसरे से बात करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर एक सर्कल टाइम एक्टिविटी होता है जिसको हम गोल दायरे में होती है, आंगनवाड़ी वर्कर वो बहुत अच्छे से कराती है। बस हमने उन्हीं को थोड़ा और कंटेंट हमने उनको दिया है, जो बुक्स हमने दिए आंगनवाड़ी वर्कर को, जो उन्होंने उनको ट्रेनिंग के माध्यम से जो सिखाया है, तो वही वो चीजें हैं कि वो आंगनवाड़ी वर्कर अपने सेंटर पे करती हैं। और वो सेंटर पे करने के बाद उनका मॉनिटरिंग के लिए हमने एक पार्ट ये है कि जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, सपोज करो कि लास्ट हमारा इमोशंस का चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, तो वो बच्चे को कितना आया, तो हमने उसी जो उसकी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए एक मैनुअल डिजाइन करा है जिसमें उनकी सारी गतिविधियां हैं, तो उसमें एक लास्ट में एक असेसमेंट सीट भी है, बच्चे का वो नाम से वो लिखे कि बच्चा कलर पहचान रहा है नहीं पहचान रहा है, या फिर वो उस लेवल से आगे जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हाँ या ना में उसको आंगनवाड़ी वर्कर करना है, ज्यादा कुछ उसको काम नहीं करना है, तो जिससे कि हम बच्चे की बेसिक जो उसको कितना सीखा है, कितना उसने गेन करा है, तो जिससे कि हम उसका असेसमेंट कर पाए और देन उसको हम दूसरा चैप्टर उसको करा पाए। तो इस प्रकार से हम अपने काम को लेके जा रहे हैं और इसी तेज को देख के बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर पे आ भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, यही हमारे लिए अच्छी क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बच्चों को स्कूल तक ना सिर्फ बुलाया है श्वेता, बल्कि बच्चों को रंग बिरंगे और अलग अलग रोचक तरीकों से शिक्षा को, एजुकेशन को, बेसिक एजुकेशन जो है उसे इंटरेस्टिंग भी बनाया है। आखिरी सवाल देवेंद्र जी आपसे मेरा यही होगा क्योंकि वक्त की भी कमी है और भी हमारे जो दिग्गज मेहमान है हमारे बीच है, यही कि देखिए सरकार की योजनाएं, सरकार का मकसद होता है जन जन तक पहुंचाने का, महिलाओं तक, बच्चों तक, लेकिन आप जैसे एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इसका क्या लाभ मिलता है? आप बाकी हम जैसे समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे सरकार की योजनाओं को और बेहतर बनाए जा सकते हैं इन संगठनों की मदद से? जी मैम, अगर गवर्नमेंट और अगर एनजीओ सीएसआर अगर एक साथ मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कि हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास में कोई ना कोई कमी हो और मेरे जैसे संगठन आके, एसआरएफ जैसे संगठन जैसे आके, या फिर कोई और कोई थर्ड पार्टी आके अगर सपोर्ट करे, तो हम कोई भी स्कीम हो, कोई भी ऐसी कोई योजना बनाई हो जिसको हमको ग्राउंड तक पहुंचाना है, तो हम मिल के एक साथ काम कर सकते हैं। और इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए कि मिशन 30 को हम अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे से हम उसमें काम कर सकते हैं, भागीदारी निभा सकते हैं। और जो हम एक अगर प्री एजुकेशन के साथ साथ में बच्चों को बहुत अच्छा एक भविष्य तैयार कर सकते हैं उनका, बहुत बहुत खूब। और वाकई अगर आप जैसे लोग ऐसी तरह से बुनियादी जरूरतों पर और बुनियादी स्तर पर काम करते रहेंगे तो वाकई देश का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र प्रसाद जी, शुक्रिया करने के लिए। धन्यवाद। तालियां हो जाए।